गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपका दोस्त, मैं आपका सर विजय सर। तो आज हम यहाँ पर आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके। आपका नया टॉपिक है कौन, जिसके बारे में आप भली भांति जानते होंगे कौन। अगर आप बर्थडे पार्टीज में गए हो तो आपने देखा होगा कि जो बच्चों के ऊपर जो बच्चे कैप पहन के रखते हैं, तो बिल्कुल बच्चों वही जो शेप होती है वही हमारा कौन होता है। और ये एक तरीके से थोड़ा बहुत सिलेंडर से भी रिलेटेड होता है। तो पहले हम देखेंगे कि कौन के अंदर जो फॉर्मूलाज होते हैं, कौन के जो फॉर्मूलाज है वो कैसे डिराइव होते हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे हम पहले हम इजी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन से बढ़ने से पहले हम पहले देखेंगे कि कौन के जो फॉर्मूलाज है वो कैसे डिराइव होते हैं। तो देखो बच्चों, जो कौन है वो एक तरीके से रिलेटेड है हमारे सर्कल से। सर्कल के बारे में आप बिल्कुल अच्छी तरह से जानते ही हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है, तो अगर हम एक सर्कल का एक छोटा सा पार्ट अगर हम काट के अगर हम अलग करते हैं, तो छोटे से पार्ट को हम कहते हैं बच्चों सेक्टर। ये सेक्टर भी हमारे 10th के मैथमेटिक्स का एक पार्ट है जो आगे जाके इसका हिस्सा होने वाला है। पर उसके बारे में जानने से पहले, क्योंकि हम अभी कौन पढ़ रहे हैं तो हमारा फोकस कौन पे रहना चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक सेक्टर काट लिया। तो देखिए बच्चे, मैं आपको एक बताता हूँ प्रैक्टिकली कि अगर जैसे ये एक सर्कल है और इससे मैंने एक ये सेक्टर काट के अलग किया है, तो जब मैं इस सेक्टर को फोल्ड करता हूं तो आप देखेंगे कि ये एक कोन का शेप ले लेता है। तो हम यहां पर देखते हैं कि जो इस सेक्टर का एरिया होगा वही एरिया हमारे इस कोन का होगा। तो यहां हम देखते हैं जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है वो होता है हाफ एल इंटू आर। जो एल है वो इसकी ये बेस का पेरीमीटर है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि जब हम इस कोन को, इस सेक्टर को कोन की शेप में जब हम फोल्ड करते हैं, तो इसका जो ये बेस है वो इस कोन का बेस का पेरीमीटर बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे आप देख सकते हैं इसके अंदर। तो यहां से अगर अपन इसके अंदर अगर हम वैल्यूज रखते हैं हाफ एल इंटू आर के अंदर, और जो इस सेक्टर की रेडियस होगी वो हमारे कोन की क्या होगी, स्लांट हाइट होगी। इसे हम क्या कहते हैं, स्लांट हाइट। तो जब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं हाफ एल हमारा क्या कन्वर्ट हो गया, टू पाई आर के अंदर। तो हाफ टू पाई आर इंटू एल, और यहां पर जो इसका आर है वो इसकी क्या हो गई, स्लांट हाइट। तो हम जब वैल्यू पुट करते हैं, जब टू से टू को कैंसिल आउट करते हैं, तो हमारा जो इसका कवर सरफेस एरिया आता है वो आता है बच्चों पाई आर एल। अब हम बात करते हैं कोन के टोटल सरफेस एरिया। देखो बच्चों, जब हम कोन का कवर सरफेस एरिया लेते हैं तो उसके अंदर हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन लेना पड़ता है, लेकिन जब हम बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया तो हमें इसके बेस का एरिया भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो उसका जो हमारा टोटल सरफेस एरिया वो होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। तो हम जानते हैं कि जो कोन का बेस है वो एक सर्कल है, और सर्कल का एरिया में मालूम है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो जब हम वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहां से हम पाई आर क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद हमारे पास अंदर क्या बचता है, एल प्लस आर। तो ये हमारा होता है कोन का टोटल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं बच्चों वॉल्यूम की। तो देखो बच्चों, अगर हम कंपेयर करें एक कोन और एक सिलेंडर को, तो देखो बच्चों वैसे तो इसका कोई प्रूफ है नहीं। इसका प्रूफ अगर आप जानना चाहते हो कि कोन के एरिया के अंदर 1/3 कैसे है, तो ये एक बहुत ही टिपिकल कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में आप जब 11th-12th क्लास में जाके आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ोगे तब आपको मालूम होगा कि 1/3 यहां पर क्यों है। हालांकि इसका एक प्रूफ ये है कि जब सेम हाइट और सेम रेडियस का एक कोन और एक सिलेंडर लिया जाता है, तो जब हम कोन को 3 times फिल करके सिलेंडर के अंदर डालते हैं तो सिलेंडर को कंप्लीटली क्या करता है, फिल कर देता है। तो इसीलिए जो हमारा कोन का जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 होता है हमारा सिलेंडर के वॉल्यूम के। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको अभी तक जो भी मैंने समझाया, जो भी हमारा फॉर्मूला डेरिवेशन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, हम चलते हैं इसके कौन से रिलेटेड क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए इसके अंदर जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो इजी हो हार्ड हो, सभी क्वेश्चन एक तरीके से कोरिलेटेड है। तो पहले हम इजी क्वेश्चन करेंगे और उन्हीं के थ्रू हम हार्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जैसे हम शुरुआत से एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर आपका टाइप फर्स्ट है जो आपका आता है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको दिया हुआ है कि ये कौन है जिसका डायमीटर आपका बेस का दिया हुआ है 12 meters और जिसकी स्लांट हाइट आपकी दी हुई है 10 meters। आपसे कहा गया है कि फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कौन।
तो हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, हम जानते हैं कि जो सॉरी टोटल सरफेस एरिया हम जानते हैं कौन सा, वो होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो हमें सिर्फ कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमको इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का ट्वाइस होता है, तो यहाँ से अगर हम रेडियस निकालें तो वो होगा डी बाई टू। क्योंकि हमको दिया हुआ है कि यहाँ पर आपको डायमीटर दिया हुआ है 12 मीटर और फॉर्मूला में हमको पुट करना है आर, तो हम यहाँ से निकालेंगे आर इज इक्वल टू डी बाई टू। तो जब 12/2 करेंगे तो हमारी रेडियस आ जाएगी 6। और देखिए हमको यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर हमको एक चीज दी हुई है, वो है पाई। तो पाई की वैल्यू आपके क्वेश्चन के साथ आपको दी होगी। इसकी दो वैल्यूज होती है, एक होती है आपकी 22/7 और एक होती है आपकी 3.14। वो आपको वो वैल्यू पुट करनी है जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है। हालांकि हमको इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ नहीं है कि हमको पाई की कौन सी वैल्यू पुट करनी है, तो हम इसके अंदर पुट करेंगे 22/7। तो हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। हमने यहाँ पर रखा 22/7 × 6, एल हमारा 10 है, आर हमारा 6 है। जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 301.7 मीटर स्क्वायर। तो ये बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन था, शुरुआत का बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं हमारा टाइप टू के अंदर। तो टाइप टू भी हमारा टाइप वन से ही एक तरीके से रिलेटेड है, बस डिफरेंस इतना सा है कि इसके अंदर हमको जितने भी स्टार्टिंग पैरामीटर से जैसे आर है, आपकी हाइट है, वो दी होगी। इसके अंदर क्या होगा कि आपको कर्व सरफेस एरिया, हो सकता है लेटरल सरफेस एरिया, या आपको वॉल्यूम, और बाकी हमारा जो भी डायमीटर या स्लांट हाइट या हाइट है, उनमें से कोई भी एक चीज मिसिंग होगी और उसी के थ्रू हमसे वो चीज पूछी जाएगी। और हो सकता है कि हमसे कर्व सरफेस एरिया निकाल के टोटल सरफेस एरिया निकलवाए, हमसे वॉल्यूम निकलवाए। तो देखो हमको यूज इन्हीं टर्म का करना, इन्हीं के थ्रू हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। एक बार अगर हमको कौन की आर पता चल जाए, एच पता चल जाए, एल पता चल जाए, तो हमको फिर बाकी आप हमसे वो चाहे कर्व सरफेस एरिया पूछे, टोटल सरफेस एरिया पूछे या वॉल्यूम पूछे, हम कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि जो कर्व सरफेस एरिया है कौन का, वो आपको दिया हुआ है 2035 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपका डायमीटर ऑफ द बेस दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है कि फाइंड द स्लांट हाइट ऑफ द कोन, यानी कि हमसे क्या पूछा है इन्होंने, एल पूछा है। तो यहाँ से मैं आपको फिर से बता दूं कि जो आर होती है वो हाफ होती है डायमीटर का। हमको यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ 35, तो हमारा आर होगा 35/2। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो कोन होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है, वो होता है पाई आर एल, जो कि हमको दिया हुआ है 2035 सेंटीमीटर। तो हम जब इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, 2035 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारे 35/2 इंटू एल, जो कि एल हमको क्या करना, फाइंड आउट करना है। जब हम कैंसिलेशन करते हैं, 35 को 7 से काटेंगे तो 5 टाइम कटेगा, 2 को 22 से काटेंगे तो 11 टाइम कटेगा, और 11 से 2035 को जब कैंसिल आउट करते हैं तो 185। तो यहाँ से हमारा निकल के आता है 5L इज इक्वल टू 185, और जब L की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारा 5 जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर, 185 को जब 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 37 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा टाइप 1, इसी से रिलेटेड था हमारा टाइप 2। अब हम बात करते हैं हमारा टाइप 3 की। टाइप 3 भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसके अंदर इतना सा डिफरेंस है कि वहां पर हमको R और L या H को हमको रेशियो के अंदर दिया होगा, सिर्फ इतना सा करना है। तो हमें सिर्फ कुछ नहीं करना। बच्चों हमारा ये है टाइप 3 का क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि हमारा जो कोन है उसकी रेडियस और हाइट को हमें दिया हुआ है रेशियो के अंदर। हमारी रेडियस और हाइट का रेशियो दिया हुआ है उन्होंने 5:12, और हमको साथ ही में दिया हुआ है इसका वॉल्यूम दिया हुआ है जो गिवन है 2512 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें इन्हीं टर्म्स का यूज करते हुए हमें निकालना है कि इसकी ओरिजिनल हाइट और रेडियस क्या होगी। चूंकि हमको ये रेशो के अंदर दिया हुआ है, तो हमको पहले रेशो को सोल्व करना होगा। तो कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हमको जो भी दिया हुआ है उसको फॉर्मूला वैल्यू पुट करने, जस्ट आंसर निकालना है। तो हमको वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/3 πr² h। यहाँ पर हमने वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम रखा, 1/3 रखा। यहाँ पर ध्यान देने लायक बात यह है कि यहाँ पर इस बार हमें पाई की वैल्यू जो है वो यूज करनी है 3.14। तो जब हम वैल्यू पुट करते हैं 1/3 × 3.14 × 5x² × 12x, तो हम आगे सोल्व करते हैं 1/3 × 3.14 × 5² होता है 25x² और इस 12 के साथ जो x है उसको मैंने यहाँ रख दिया, ये x³ हो जाएगा, ये 12 है। जब हम 3 से इस 12 को काटते हैं तो ये जाएगा 4 टाइम। उसके अलावा 25 × 4 करेंगे तो ये होता है बच्चा 100। जब ये इधर से इस 8 2512 को
को जब 3.14 से काटते हैं तो ये आता है 800, और 25 इंटू 4 को जब 800 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 8। यानी कि हमारे पास x क्यूब की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8, और जब हम इसका क्यूब रूट करेंगे तो हम जानते हैं कि जो 8 होता है वो क्यूब होता है 2 का, तो यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू आ रही है बच्चों वो आ रही है 2। और जब इस x की वैल्यू 2 को जब हम r और h के अंदर पुट करते हैं तो हमको मिलेगा 5 into 2, यानी हमारी जो रेडियस होगी वो होगी हमारी 10 सेंटीमीटर, और जो हमारी हाइट होगी वो होगी बच्चों 24 सेंटीमीटर। अब इसके बाद चाहे वो आपसे इसका कर्व सरफेस एरिया पूछे या आपसे इसका लेटरल सरफेस एरिया पूछे, क्योंकि हमारे पास r और h दोनों है तो हम इन्हीं वैल्यूज का यूज करते हुए हम यहाँ से एल बी निकाल सकते हैं। देखो बच्चों, मैंने आपको पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया नहीं था कि इसके अंदर क्या है कि अगर एक कोण है, अगर उससे हमें R और H दिए, तो बच्चों इसके अंदर R, H और L के अंदर एक बहुत ही छोटा सा रिलेशनशिप होता है जो आपने पाइथागोरस थ्योरम अगर आपने पढ़ी होगी 8th-9th क्लास के अंदर, तो बस उसी का जस्ट हमें यूज करना है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, जो आपका एल होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और जब हम इसके अंदर इसकी वैल्यूज रखते हैं और उसका अंडर रूट करते हैं तो हम यहाँ से एल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आगे जाके हमें किसी न किसी क्वेश्चन में जरूर पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ से अब हम किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे आपका लेटरल सरफेस एरिया हो चाहे वो आपका कर्व सरफेस एरिया हो। तो देखो इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ यहाँ पे जस्ट रेशियो था, रेशियो के अंदर हमको जस्ट फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करके हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी, x की वैल्यू को हमने वापस से r और h के अंदर रखा, हमने ओरिजिनल r और h निकाला, और उसके बाद में हमसे चाहे जो पूछना चाहे हम वो निकाल सकते हैं। तो यह आपका क्वेश्चन हो गया टाइप 3। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट हमारा टाइप 4। टाइप 4 जस्ट एक तरीके से कंपैरिजन है, जिसके अंदर हमें कंपैरिजन करवा सकता है दो डिफरेंट कोन की तरफ, या फिर हमें कंपैरिजन करवा सकता है एक कोन और एक सिलेंडर के बीच के अंदर। तो यहाँ पर हमने एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लिया है, जिसके अंदर आपको दिया हुआ है एक कोन है जो वाटर से फिल है, और जो वाटर से फिल है उसकी जो हाइट है, वाटर का जो लेवल है उस कोन के अंदर उनको गिवन है, वो है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस कोन की जो बेस की जो रेडियस है वो हमको गिवन है 10 सेंटीमीटर। अब हमसे कहा गया कि जब हम इस कोन के इस वाटर को एक दूसरा एक सिलेंडर है जिसके अंदर हम इसको पोर करते हैं, यानी इसके अंदर उडेल देते हैं, जिस जो सिलेंडर है उसकी जो बेस की रेडियस है उसको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो हमसे ये पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर कि जब हम इस कोन के वाटर को इस सिलेंडर के अंदर ट्रांसफर करेंगे, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द वाटर इन द सिलेंडर। तो हमसे पूछा है कि जो सिलेंडर है उसके अंदर जो वाटर का लेवल है, वाटर की जो हाइट है वो कहाँ तक होगी, ये हमसे इसके अंदर पूछा गया। तो देखो बच्चे, यहाँ पे ध्यान देने लायक बात ये है कि जब हमने इस कोन के वाटर को इस सिलेंडर के अंदर ट्रांसफर किया, तो हम ये देख रहे हैं कि जो वाटर का जो अमाउंट कोन के अंदर है वही उतना का उतना ही वाटर किसमें गया है, सिलेंडर के अंदर। यानी कि जो इसके अंदर का जो वॉल्यूम है और जो इसके अंदर का वाटर का वॉल्यूम है वो कैसा रहने वाला है, सेम है। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इन दोनों का जो हाइट और रेडियस वो सेम थी कि नहीं थी, इन दोनों का जो वॉल्यूम था वो एक्चुअल में सेम था कि नहीं था। हमें सिर्फ इस बात का ध्यान देना है कि जो अमाउंट ऑफ वाटर है जो ट्रांसफर हुआ है कौन से सिलेंडर के अंदर, वो दोनों के अंदर क्या है, सेम है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, वी हैव टू जस्ट कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द कोन एंड द सिलेंडर। तो जस्ट हमें कुछ भी नहीं करना, तो हमको ये मालूम है कि जो वॉल्यूम यहाँ पर है उतना ही वॉल्यूम यहाँ पर है, तो हम लिखेंगे जो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन है वो इक्वल है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर। अब देखो यहाँ पर जो हमने रेडियस ली है वो स्मॉल आर है, जो इसकी कोन की जो हाइट है वो हमने ली है वो स्मॉल एच ली है, और ये जो हमारा सिलेंडर है इसकी जो मैंने रेडियस ली है वो ली है कैपिटल आर ली है, जिससे कि आपको क्या हो कन्फ्यूजन ना हो, और जो इसकी जो मैंने हाइट ली है वो क्या ली है, वो कैपिटल एच ली है। तो हमको बेसिकली जब कुछ क्वेश्चन में फाइंड करना है वो क्या करना है, एच करना है। तो अब हमको क्या है कि क्वेश्चन तो हमको समझ में आ गया, जस्ट हमको करना है वॉल्यूम्स को कंपेयर करना है। तो जब हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला रखेंगे तो हमको मालूम है कि जो कोन है उसका फॉर्मूला होता है 1/3 πr² h, और यही इक्वल है वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी जो हमका सिलेंडर का वॉल्यूम है वो क्या होगा, πr² h। अब हम क्या करेंगे, जस्ट हमको वैल्यूज रखनी है, तो हम यहाँ से पाई को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे 1/3। आर की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, 10 गिवन है, तो हमने लिखा 10 × 10। यहाँ पर जो हाइट थी वो कितनी थी इसकी, 18 थी। सिलेंडर की बात करें तो यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो इसकी आर हमको गिवन थी वो थी 5, तो 5 × 5 × h। जब हम यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो 3 से 18 को कैंसिल आउट करेंगे तो 6 टाइम जाएगा,
इस 5 से इस 10 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 टाइम, इस 5 से ये 10 भी 2 टाइम, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 into 2 यानी 12, 12 into 2 यानी 24, तो हमारा जो सिलेंडर है उसके अंदर जो लेवल की वाटर की जो हाइट आएगी वो कितनी आएगी, 24 सेंटीमीटर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमने सिर्फ क्या किया, जो वाटर कोन के अंदर जो वाटर था उसको हमने सिर्फ कंपेयर किया है सिलेंडर से, क्योंकि हमें ये मालूम है कि इसके अंदर जो वॉल्यूम वाटर की थी और जो वाटर हमने इससे सिलेंडर के अंदर ट्रांसफर किया वहां पर जो वॉल्यूम था वो चेंज नहीं होने वाला था। तो हमने सिर्फ दोनों जगह के वॉल्यूम को हमने सिर्फ कंपेयर किया है, और इसी से जो हमसे पूछा गया था कि सिलेंडर के अंदर वाटर की हाइट कितनी होगी तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया। देखो बच्चों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर हमको गिवन है कि एक कॉनिकल एक टैंक है जिसका जो अपर पोर्शन है वो बना हुआ है कोन शेप के अंदर, और जो उसका लोअर पोर्शन है वो एक सिलेंडर के शेप के अंदर, यानी कपड़े से एक तरह का एक टेंट बना हुआ है, जैसा हम लोग सर्कस के अंदर देखते हैं जो ऊपर से कोन की शेप का होता है और नीचे से कैसा होता है, सिलेंडर शेप का होता है। तो हमसे इसके अंदर पूछा गया है कि इस टेंट को बनाने के अंदर टोटल कितना कैनवास, या हम कह सकते हैं कि टोटल कितना क्लोथ या टोटल कितना कपड़ा है वो यूज में आया है, तो हमें उस कपड़े की लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है, यानी वो कितना कपड़ा यूज के अंदर उसके अंदर आया है। तो यहाँ देखो बच्चों, जो ध्यान देने लायक बात है वो ये है कि अपर पोर्शन कैसा है वो एक कोन का है, नीचे वाला कैसा है सिलेंडर का। तो हमको क्या निकालना है, दोनों ही कंडीशन के अंदर, चाहे वो कोन हो चाहे वो सिलेंडर हो, दोनों ही अंदर हमको उसका निकालना है कर्व सरफेस एरिया। लेकिन हमको यहाँ गिवन है कि जो इसकी जो रेडियस है कोन की वो हमको गिवन है 4 सेंटीमीटर, और जो कोन की हाइट हमको गिवन है वो गिवन है सॉरी मीटर के अंदर वो है 3 मीटर। अब हमको ये पता है कि जो कोन का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल, लेकिन प्रॉब्लम है कि हमको इसके अंदर आर और एच दिए, हमको एल गिवन नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको हमारे पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर बताया गया था कि हम आर और एच के थ्रू भी हम एल को फाइंड आउट कर सकते हैं, हमको कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगानी थी, हमको फॉर्मूला मालूम है कि जो एल होता है वो इक्वल होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। अब हमको यहाँ पर एच गिवन है 3, आर गिवन है 4, जब हम फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हमारा होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16, जब दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल आता है 25, और हम जानते हैं कि 25 का जो रूट होता है वो होता है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो हमारी जो कोन की एल है यानी कि जो स्लांट हाइट है वो निकल के आती है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ ध्यान देने लायक बात ये है कि इस जो कोन का जो बेस है वही जो अपर पोर्शन है इसका सिलेंडर का वो दोनों सेम है, तो यानी कि जो कोन की रेडियस होगी और जो सिलेंडर की रेडियस होगी वो दोनों कैसी होगी, सेम होगी। तो अगर यहाँ पर कोन की रेडियस हमको 4 सेंटीमीटर गिवन है तो हमारे सिलेंडर की रेडियस भी क्या होगी, 4 सेंटीमीटर होगी, और साथ ही साथ हमको ये भी गिवन है कि जो हमारा सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी है, 4 मीटर है। तो अब हमें निकालना है टोटल कैनवास यानी कि टोटल क्लोथ निकालना है। तो हमको निकालना है कि पहले हमको निकालना है लेटरल सरफेस एरिया किसका, या कर्व सरफेस एरिया कोन का, और लेटरल सरफेस एरिया ही हमारा सिलेंडर का। तो हमको बच्चों मालूम है, जैसे हमने पहले हम कर चुके हैं कि जो कोन का जो लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया वो होता है पाई आर एल, और जो सिलेंडर का होता है वो होता है 2 पाई आर एच। तो जब हम इसके अंदर से पाई आर को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारे अंदर एल और 2h रह जाएंगे, यहाँ से हमने पाई आर कॉमन ले लिया। तो जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो पाई की वैल्यू हमें मालूम है कि 22/7, आर हमको गिवन है 4, यहाँ से हमको एल की वैल्यू हमने निकाली थी 5 × 2h यानी 2 × हाइट ऑफ हमारी किसकी है, सिलेंडर की, वो कितनी गिवन है 4। तो जब इनको सोल्व करेंगे तो 22/7 × 4, और यहाँ से इनको सोल्व करने के बाद हमारा आता है 13, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1144/7, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा यहाँ से वो आएगा 163.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो टेंट है इसको जो बनाने के अंदर जो टोटल क्लॉथ या टोटल जो कैनवास यूज के अंदर आया है बच्चों वो आया है 163.4 मीटर स्क्वायर। तो हमारे इस वीडियो के अंदर हमने कौन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे, मैंने आपको टाइप 1 बताया, मैंने आपको टाइप 2 बताया, 3 बताया और 4 बताया, मैंने आपको ये भी बताया कि हम किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप
हर तरह के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने बेसिक से शुरुआत की, जहां पर हमने एक बेसिक क्वेश्चन किया जिसके अंदर फॉर्मूला बेस था। उसके बाद हम टाइप टू पे गए, जहां पर हमको एल या आर में से कुछ मिसिंग था। थर्ड टाइप का क्वेश्चन हमने किया जिसके अंदर हमको आर और एच रेशियो के अंदर गिवन था। और टाइप फोर जो भी हमने किया जिसके अंदर हमको दो कोई भी जो हमारी 3D शेप से कौन सिलेंडर उनके अंदर हमको कंपैरिजन करवा के उनमें से कोई एक अननोन जो वैल्यू थी वो हमको फाइंड आउट करनी थी। और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाया क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका कंटेंट बहुत अच्छा था। तो यहाँ पर आई होप अभी तक मैंने आपको जितना भी कौन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू। आवाज़ नहीं आती क्या इसमें?